नमस्ते दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो लेखन की विशेषताएं होती हैं उसकी कुछ आपको विशेषताएं बताएंगे और ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप किसी भी लेखक की लेखन कला की जो विशेषताएं होती है उसे बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि लेखन की विशेषताएं लिखिए, लेखक के लेखन की लेखन कला की जो विशेषता होती है वो किस प्रकार से होती है, तो आप इसे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपकी पहली विशेषता होगी उसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले लेखक का नाम लिखेंगे। इसमें लेखक के ऊपर लिखेंगे आप की भाषा सीधी सरल एवं मुहावरेदार है। ऐसे सीधी सरल एवं मुहावरेदार है। इस प्रकार से पहले आप एक जो वाक्य है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरी आपकी जो विशेषता होगी वो इस प्रकार से होगी, उन्होंने खड़ी बोली का उपयोग किया है। उन्होंने खड़ी बोली का उपयोग किया है। क्या किया है? उपयोग किया है। दूसरी हेडिंग होगी कि उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। आवाज नहीं करें। तीसरी होगी तो आपकी तीसरी विशेषता वो इस प्रकार की होगी कि उन्होंने अपने लेखन में ओजगोड़ प्रसाद गौड़ प्रसाद तथा मालधा गौड़ मिलता है। ठीक है। उन्होंने अपने लेखन में ओजगोड़ प्रसाद गौड़ तथा माधा गौड़ भी या थोड़ी इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं कि उनके लेखन में किस प्रकार से कि उनके लेखन में ओजगोड़ प्रसाद गौड़ तथा माधा गौड़ भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पांचवा
उनके लेखन में विचारात्मक, भावनात्मक, गुणात्मक, रचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। उनके लेखन में विचारात्मक गुणात्मक गुणात्मक वर्णात्मक वर्णात्मक नात्मक वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इसके बाद छठवा देखते हैं, उनके लेखन में छोटे छोटे वाक्यों में सागर में गागर भरा हुआ है। उनके लेखन में छोटे छोटे वाक्यों में सागर में गागर भरा हुआ है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है कि गागर में सागर भरा हुआ है, ऐसा लिखेंगे आप लोग कि गागर में सागर भरा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, उन्होंने अपने लेखन में लोकियों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने अपने लेखन में लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। तो आप इस प्रकार से किसी भी लेखक के जो लेखन की विशेषताएं होती हैं उन्हें बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। आप किसी भी लेखन की विशेषताएं लिखना चाहते हैं उसे एक बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।